लोग चाहते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी प्राप्त हो, लेकिन शुरू से भी इसका यह रहा कि हमें गृहिणी चाहिए। और कई शादियाँ ऐसी आ रही थी जो अच्छे सर्विस में लड़कियाँ थीं, लेकिन फिर भी ये हमेशा मना करता रहा कि हमें जो है एक मध्यम परिवार का और सामाजिक लड़की चाहिए, हमें जो है नौकरी पेशा लड़की नहीं चाहिए। इसलिए इसके अनुरूप हम लोगों ने इसकी का निर्णय लिया है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो कि हमारे घर वालों को जो है वो रिस्पेक्ट दे और घर वालों को अपने घर वालों की तरीके ही समझे। और फादर ने हमें फोटोज भेजी, हमें पसंद आई फोटो। फिर उसके बाद हम लोग आपस में मिले। शैलजा से जो मेरी पहली मुलाकात हुई है वो होली के आसपास हुई है, लगभग 12 मार्च के आसपास। वो हंसमुख है, मेरी लगभग हर बातों में ही हंसती है वो। कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नी आया। किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, रब ने बनाया जी कर वेखदा रवाना। किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया जी कर वेखदा रवाना। किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया। सालू जो बचपन से बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशनुमा है। हम जैसा चाहते थे कि हमारी लड़की जैसे हमारे परिवार में खुशी से रहती है, वैसा ही हमें अपनी लड़की के लिए परिवार मिले। और भगवान ने ऐसा ही हमारे साथ किया, वैसा ही परिवार हमको दिया, वैसा ही हमारा दामाद है, केयरिंग है, प्यार करने वाला है। ऐसा नहीं लगता कि हमने दूसरा बेटा नहीं पाया है, वो दामाद नहीं हमारा दूसरा बेटा है। और इस तरह से हमारे दामाद भी ऐसे हैं कि इनके साथ साथ हम लोगों की भी देख रेख और केयरिंग करते हैं। और भाई बहनों को भी, हमारे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी और भी है और बेटा, उसको भी अपना मानकर चलते हैं। तो जैसा हम अपने बच्ची को चाहते थे वैसा परिवार भी मिला है। और भगवान से ये है कि आगे भी हमारी लड़की जहाँ उस परिवार में जाए खुशियाँ ही फैलाती रहे, जिस तरह से हमारे यहाँ था, और उस परिवार में उन्नत बरकत होती रहे। जहाँ तक है भगवान इनकी हर खुशी को सुने और पूरा करें और सबको साथ में लेकर चलें और दिन प्रतिदिन इनकी उन्नति होती रहे, बस यही भगवान से कामना है। और इनको किसी भी चीज़ का कष्ट ना हो, बस ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं।
इस बात की है कि हमारे लड़का लड़का बहू दोनों एक जैसे हैं और बेटा बहू जहाँ भी रहें वहाँ खुशी खुशी रहें, आपस में प्रेम से रहें, सबके इज्जत करें। बहुत अच्छा हमारा लड़का है। हम तो कहते हैं भगवान जितनी और लोग हैं उनको हमारे लड़के जैसा लड़का दें। Till I'm good and done. रीत के धागे हौले खेंचे छेड़े रे हाय दिल को संदेश आज ऐसा मिला कोई रोक ना पाए मुझको। माही मेरा आया माही मेरा आया माही मेरा आया ओ माही मेरा आया। लाल रंग में रंग गई मैं तो हुई हो जैसे भोर। भागे रे मन मेरा सब छोड़ के तेरी ओर हो संग तेरे। जैसा रिश्ता चाहते थे भगवान की कृपा से हमें वैसा ही रिश्ता मिला। हमारे जीजा जी बहुत ही अच्छे हैं। उनका केयरिंग फन लविंग नेचर जो है वो हमें स्पेशली बहुत पसंद आता है। हर एक क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में गाइडेंस हमेशा वो देते हैं। एक गार्जियन की तरह हमारा सपोर्ट करते हैं जो हमें उनके बहुत करीब रखता है। और दीदी और जीजा की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तुझसे कहना जी
सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनु जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, मेरा प्यारा बेटा है, हम बेटा बहू को दोनों को बहुत आशीर्वाद देते हैं।